खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे डिवीजन रिपोर्टर इस्मान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राबता कौंसल लेबर विंग सिंध के सदर राणा मोहम्मद आजम नायब सदर हाजी मोहम्मद रफी गोरी की सरबराही में हैदराबाद डिवीजन की बॉडी का लाहे अमल तय किया गया। हैदराबाद कोस्टर हाउसिंग सोसाइटी में साजिद कुरैशी और वकास कुरैशी की रिहाइश गाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग राबता कौंसल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ लेबर विंग सिंध के सदर और नायब सदर ने हैदराबाद पीटीआई सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की और रीजन हैदराबाद लेबर राबता कौंसल बॉडी का लाहेमा तय करते हुए कहा कि बहुत जल्द हैदराबाद की बॉडी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीटीआई के सीनियर साथियों ने राणा मोहम्मद आजम से मुतालबा किया कि हैदराबाद की आवाम यूनिवर्सिटियों से महरूम है, इस महरूमी को दूर किया जाए, जिस पर राणा मोहम्मद आजम ने यकीन दिलवाया कि मैं इस्लामाबाद मीटिंग में इस मौजू पर जरूर बात करूंगा और मजीद कहा कि पार्टी के लोगों को काम करना और इनके दरमियान रहना मैं अपना फर्ज समझता हूँ और आप अहदेदारान से गुजारिश करता हूँ कि आप भी एक होकर काम करें, इमरान खान के विजन को बढ़ाएं। इस मौके पर हैदराबाद और टंडू आदम पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। तर्जमान सदर कोऑर्डिनेशन कौंसल लेबर विंग सिंध अब्दुलरहमान इंसारी।